उज्जैन जिले के नागदा में कोरोना गाइडलाइन के तहत गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से भी सभी रहवासी संतुष्ट नजर आए। शहर में करीब 28 जगहों पर गणपति पंडाल लगाए गए हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पंडालों की संख्या कम रखी गई है, मगर घरों में गणपति पूरे धूमधाम से विराजे हैं। खास बात यह रही कि प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु ही बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गणेश विसर्जन को लेके पांचवा या छठवां राउंड है और हम लोग क्योंकि पानी यहाँ पे चंबल नदी में कभी भी यहाँ नहीं भी गिरे ऊपर गिरता तो बढ़ जाता है, तो हम बराबर हमारी टीम, नगर पालिका की टीम, राजस्व विभाग की तहसीलदार साहब, दोनों टीआई साहब, जादौन साहब, शर्मा साहब, नीलेश रघुवंशी जी, अपने नगर पालिका के सीएमओ साहब, जाट साहब, मिर्जा साहब, रईस जी, सभी लोग इस विसर्जन के लिए बड़े चिंतित थे और हम लोग लगातार निगाह रखे हुए थे क्योंकि पानी जैसा होगा विसर्जन की वैसी ही व्यवस्था की जाएगी। हम शासन की गाइडलाइन थी कि लोगों को अपने हाथ से विसर्जन करना है, हमको उसका भी ध्यान रखना था। गणेश विसर्जन को